नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरु जी का स्कूल में। तो कैसे आप सब दोस्तों, आपका रिसेंटली SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 का रिजल्ट आया है एंड इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो भी बनाई थी और एक्सप्लेन किया था नोटिस में क्या दिया हुआ उन्होंने और क्या क्या उसके हिसाब से आपको करना है। स्टिल आपके काफ़ी कमेंट्स आए वीडियो पर, लगभग 200 के कमेंट्स आए हैं, 180 के आसपास कमेंट्स हैं। तो हमने सारे पढ़े हैं, सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं था बट स्टिल हमने कुछ का रिप्लाई किया है एंड बाकी सबका रिप्लाई हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी लोगों के कॉमन कमेंट्स हैं एंड जो मोस्टली कमेंट्स हैं वो रिगार्डिंग आपके एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग है कि उनके पास एप्लीकेशन फॉर्म या तो गुम हो गया है या PDF नहीं है, वट एवर द रीज़न इज। तो सभी के कुछ कॉमन कमेंट हैं, जैसे अंजलि उत्तम जी का भी यही है कि एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, कहाँ से डाउनलोड होगा। और ये तो हम सभी को पता कि अभी डाउनलोड नहीं हो सकता बट इसका सोल्यूशन क्या है वो देखते हैं। अभी स्पिरिचुअल जी का कमेंट है कि भाई मेरा एग्ज़ाम नॉर्दर्न रीजन में हुआ है बट WR10620 मेरी पोस्ट कोड है तो इसके डॉक्यूमेंट मुझे कहाँ भेजने होंगे, नॉर्दर्न रीजन या वेस्टर्न रीजन में, तो इसका भी हम रिप्लाई करेंगे। कॉमन कमेंट है ये भी, काफ़ी लोगों ने पूछा है एंड आगे भी मोस्टली सबके यही कमेंट है, प्रिंट आउट नहीं लिया या एप्लीकेशन स्टेटस नहीं है। EWS सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग है शिवांश जी का एंड काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा वो भी हम बताएंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है या नहीं, या सर्टिफिकेट जो मांगे गए हैं वो है या नहीं, एंड इन सब का हम आज के इस वीडियो में रिप्लाई करने वाले हैं। कुछ कमेंट है कि भाई मार्कशीट नहीं है या मार्कशीट है सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या होगा, सिर्फ मार्कशीट है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सभी के कमेंट्स को देखते हुए कुछ कमेंट्स कॉमन थे और सभी को हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते, आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि हमने सभी पढ़ लिए हैं एंड सभी का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। ठीक है, तो भी देखते हैं आगे कि आपके कौन से कॉमन कमेंट्स हैं, किस किस की हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 है आपका कि एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो क्या करें। ये बात आपका जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें मेंशन था कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म रखना है एंड जो नोटिस आया है ये आपका रिजल्ट का उसमें मेंशन है। तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, अभी पॉसिबल नहीं है। अगर आप SSC की वेबसाइट पर लॉगिन करोगे तो वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा और हम आपको दिखा भी रहे हैं कि वहाँ पर नहीं मिलेगा अभी। तो आपको क्या करना होगा, ये मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया अपने अकाउंट में SSC की वेबसाइट पे और यहाँ पे हम सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 की बात करें तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन नहीं है जबकि फेज 7 में है एंड बाकी अदर नोटिफिकेशंस में भी आपका एप्लीकेशन स्टेटस है एंड प्रिंट का ऑप्शन सिर्फ कुछ वैकेंसीज में है जो आपका लेटेस्ट है या तो उसमें है या फेज 7 में आपका प्रिंट का ऑप्शन दिखा रहा है, जैसे MTS 2020 में आपका दिखा रहा है, बाकी किसी में नहीं दिखा रहा एंड यहाँ पे फेज 7 में आपका दिखा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें, देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम सब मिलके, मेरा तो एग्जाम नहीं है बट जिनका भी ये गुम हो गया है वो सब क्या करें कि सभी ईमेल भेजे अपने रीजनल ऑफिस में कि हमारा ऐसे ऐसे करके गुम हो गया है, कि सर, रिस्पेक्टेड सर, मैम, कि आई हैव लॉस्ट माई एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसका सोल्यूशन बताएं, या तो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म भेज दिया जाए ईमेल से मुझे अगर पॉसिबल है, नहीं तो कोई और सोल्यूशन बताएं। देखिए ईमेल का वो जवाब अक्सर काफ़ी लेट देते हैं तो ऐसा हो सकता है जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, क्योंकि 30 तारीख आपकी लास्ट, आज जो है 14 अप्रैल, तो ईमेल आते रहते तो आपका टाइम निकल जाएगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए हमको, जो आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करना होगा, आप एक खुद से एप्लीकेशन लिखिए एज अ प्रार्थना पत्र या रिक्वेस्ट डाल के उसमें लिखिए अपना जो डायरेक्टर है, रीजनल डायरेक्टर, एड्रेस दिए हुए हैं उन्होंने नोटिस में, तो उनको लेटर लिखिए, साथ में जो आपके डॉक्यूमेंट भेजने हैं आपको उसमें अटैच कर दीजिए, उसमें लिखिए कि मेरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो गुम हो गया है ड्यू टू सम रीजन, जो भी आपका कारण रहा है, एंड ना तो मेरे पास उसकी PDF है अब और ना ही वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, एंड आप मेरा ये डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करें, मेरा जो भी आपकी डिटेल है वो डिटेल लिख दीजिए, अपनी माता का नाम, पिता का नाम, अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है SSC की वेबसाइट पे एंड सिलेक्शन पोस्ट का एंड जो आपका रोल नंबर था वो सब डिटेल आप लिख दीजिए जो भी आपको याद है। ऑब्वियसली अपनी पर्सनल डिटेल तो आपको सारी याद होंगी एंड पोस्ट कोड, जिस भी पोस्ट कोड के लिए है तो आप पोस्ट कोड, तो आपको फ्रंट जो आपका एनवलप, सपोज ये आपका एनवलप है तो यहाँ पे है तो आपको रिसीवर एड्रेस लिखना है, ठीक है, यहाँ पे आपको कहीं कोने में सेंटर एड्रेस एंड साइड में आपको मेंशन भी करना है कि किस पोस्ट कोड के लिए, ग्रेजुएट लेवल के लिए या किसके लिए है, तो इस तरह से आपको भेजना है। तो
तो ये जो आप एनुअल अप है इसके साथ ही आप एक लेटर भेज दीजिए, एक एप्लीकेशन भेज दीजिए। अगर आप खुद से एप्लीकेशन नहीं लिख सकते तो आप अपने किसी साथी से लिखवा लीजिए, अपने घर परिवार में, जिससे भी। आई होप कि आपको लिखने आते हो, पहले आप पढ़े लिखे हो, इस लेवल तक पहुँचे हो, बट स्टिल आप कंफर्टेबल नहीं हो लिखने में, तो आप अपने किसी साथी से लिखवा लीजिए, जिसमें आप अपनी सारी डिटेल भी बताइए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरे ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जाएँ। देखिए, पहले बात तो यहाँ आप, गलती आपकी साइड से है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो गलती आपके साइड से है, इट्स नॉट एसएससी फॉल्ट, कि उन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। आप पॉइंट देख भी सकते हैं नोटिफिकेशन में, लिखा है साफ साफ कि आपके पास एप्लीकेशन का प्रिंट आउट होना चाहिए जब आपकी स्क्रूटनी हो, मतलब जब आपके डॉक्यूमेंट्स की जाँच हो। तो आप उस एप्लीकेशन दीजिए, ज़रूर कुछ ना कुछ वो मदद करेंगे आपकी, 90% ज़रूर मदद करेंगे एसएससी वाले, कि जब आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आप भेजोगे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा उससे। एंड लेट्स होप कि आपके पास यही ऑप्शन है और कुछ नहीं हो सकता, कि या तो ईमेल भेजिए, ईमेल का रिप्लाई बहुत देर से देंगे वो, ये तो एक बात होगी एक, या आप लेटर भेजिए। लेटर, ईमेल का रिप्लाई जाए जब आए, लेटर आपको साथ में अटैच जरूर करना है, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और जो आपकी डिटेल है सारी मेंशन हो, और आपका रीज़न भी हो कि, और रिक्वेस्ट भी हो कि मैं इस कारण से ऐसे अपने डिटेल्स इसमें लिख के भेज रहा हूँ, जिससे कि उनको देखने में प्रॉब्लम ना हो। हाँ, आपके पास एडमिट कार्ड अगर आपका CBT का या कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, CBE का कह सकते हो आप, तो वो आप अटैच कर सके भेज सकते हो उस लेटर में। अभी देखते हैं कि आपका और कौन कौन से पॉइंट्स हैं, किस रीजन में डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, तो ये भी देखते हैं एक बात कि किस रीजन में आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। तो जो आपका नोटिस आया था, ये सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट का, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें लिखा है कि आपको रीजनल ऑफिस में ही भेजना है। ये लिखा द प्रिंट आउट, हाँ ये लिखा 30 अप्रैल तक आपको भेजना है ये सारे डॉक्यूमेंट्स। Who are shortlisted for next stage of scrutiny as per Annexure 1 are required to submit a copy of all the supporting documents in respect of, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, ये बात तो वही होगी। 30 अप्रैल तक आपको स्पीड पोस्ट से ही भेजना, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया कि ऐसे एनवेलप लेना है, उस पर यहाँ पे रिसीवर एड्रेस, कौन है मैं, अपना सेंडर एड्रेस, ठीक है, और यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल और पोस्ट कैटेगरी नंबर मेंशन कर देना है, ठीक है, एनवेलप पे मेंशन करना है। ये आपको भेजना अपने रीजनल ऑफिस में जिसकी वो पोस्ट कोड है। सपोज यहाँ पे ये लिखा है इन्होंने, जैसे कि NR के लिए है ये कोड, ER के लिए ये कोड, और WR के लिए ये कोड। अगर मल्टीपल फॉर्म है आपके, मल्टीपल पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई किए हो, 3 या 4 या 2 जितने भी के लिए आप क्वालिफाई किए हो, तो आपका जो भी पोस्ट कोड है उसी रीज में आपको भेजना है। सपोज NR के लिए है तो आपको NR में ही भेजना है, ER के लिए तो आपको ER में ही भेजना है, चाहे एग्जाम आपका जिस भी रीजन में हुआ हो। WR का आपकी वैकेंसी है तो आपका एग्जाम चाहे NR में, NWR में, ER में, CR में, जहाँ भी हुआ हो, तो आपको WR में ही भेजना है रीजनल ऑफिस में। रीजनल ऑफिस का जो एड्रेस आपका नीचे बॉटम ऑफ द नोटिस दिया हुआ है लास्ट में, बिल्कुल ये रहा, जो आपका रीजनल डायरेक्टर है उसके नाम भेजना है, ये एड्रेस आपको भेजना है इस एड्रेस पे। ये आपका रिसीवर एड्रेस रहेगा, कोने में अपना सेंटर एड्रेस डालना है, एंड लिखना है ग्रेजुएट एंड अबव लेवल, 10+2 लेवल, या जो भी लेवल आपका मैट्रिकुलेशन लेवल का है, वो सभी अलग अलग सेपरेट भेजने हैं। सपोज जितने पोस्ट कोड के लिए आप क्वालिफाई किए हो, रिजल्ट लिस्ट में देख सकते हो आप, तो वहाँ पे उन सभी पोस्ट कोड के लिए आपको भेजने होंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपको कंसिडर किया जाए आपके फर्दर प्रोसेस के लिए। अभी आगे देखते हैं क्या क्या पूछा आपने, स्किल टेस्ट या आगे का प्रोसेस क्या होगा, तो ये भी हम आगे देखते हैं अभी। तो दोस्तों, इसके लिए हम फिर से आ गए हैं SSC की वेबसाइट पे, और जहां आप लॉगिन करते हो अपने अकाउंट में, तो यहां पे आपको नीचे ऑप्शन मिलता है सिलेक्शन पोस्ट में, पोस्ट डिटेल का, देखिए पोस्ट डिटेल का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है, तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। जिस भी रीजन के आप जो भी पोस्ट देखना चाहते हो, उसमें स्किल टेस्ट है या नहीं है, या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, या क्या क्या सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, वो सभी आप आराम से देख सकते हो। जैसे आपका सपोज रीजन है नॉर्थ ईस्ट रीजन, लेट एज्यूम, और इसमें एग्जामिनेशन नेम क्या आपका, सिलेक्शन फेज 8 सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है, एंड सर्च करिए आगे, तो जितने भी आपकी NER में होंगी तो सारी आ जाएंगी। तो फोटोग्राफर के लिए, या टेक्निकल ऑपरेटर ड्रिलिंग के लिए, या जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तो सपोज हमारी वैकेंसी है NE 11220, तो इसकी डिटेल हम देखते हैं।
मेट्रिकुलेशन लेवल का आपका, ठीक है, मेट्रिकुलेशन और SSLC और 10th क्लास पास एंड मिनिमम 2 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो आपका ITI का सर्टिफिकेट है इन मैकेनिकल और फिटर और टर्नर्स, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जो भी आपका एसेंशियल सर्टिफिकेट मांगा गया है या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है एसेंशियल में, तो आपको ज़रूर भेजना है अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके, चाहे वो आपका NCC का सर्टिफिकेट है किसी भी पोस्ट कोड के लिए, क्योंकि सब में एक जैसी क्वालिफिकेशन तो नहीं मांगी गई है। किसी में एक्सपीरियंस मांगा गया है, किसी में एक्सपीरियंस प्लस अदर सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, किसी में आपका NCC सर्टिफिकेट मांगा गया है जैसे कैडेट इंस्ट्रक्टर की तरह, या कुछ और पोस्ट हैं तो उनमें NCC वगैरह मांगा जाता है स्पेशली फॉर गर्ल्स, एंड यही सभी आपके अदर पोस्ट में सभी में रहता है। तो जो भी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप देख लें, ठीक है। स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड, इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं है, किसी किसी में स्किल टेस्ट आपका मेंशन होता है। लेट्स एक बार किसी दूसरे पोस्ट कोड के लिए चेक करते हैं। रीजन मान लेते हैं हम नॉर्दर्न रीजन, ठीक है, एंड यहाँ पे एग्जामिनेशन फेज 8 सिलेक्शन पोस्ट डाटा एंट्री का है, जैसे ये पहला ही देखते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें व्यू डिटेल्स करते हैं। तो ये ग्रेड बी ग्रेजुएशन एंड अबव, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और जो टेस्ट होगा आपका स्किल टेस्ट वो होगा 8000 की डिप्रेशन पर आवर, मतलब 8000 की डिप्रेशन पर आवर के हिसाब से आपका चेक किया जाएगा, और जो स्किल टेस्ट होगा वो इसमें ज़रूर होगा, ये आपके पास होना चाहिए। हालांकि इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, बट आपका टेस्ट जरूर होगा स्किल टेस्ट। यहाँ पे इन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ है कि स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड, यस, तो आपका स्किल टेस्ट होगा। पोस्ट किसके लिए सूटेबल है वो सब मेंशन किया हुआ है इन्होंने, डिपार्टमेंट नेम क्या है, आपका सैलरी क्या होगा, सब इन्होंने मेंशन किया है। तो ये तो बात होगी आपकी फर्दर प्रोसेस की, आप जिस भी पोस्ट के लिए ट्राई कर रहे हो, जिस भी पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए हो, तो उसके लिए SSC की वेबसाइट पर जाएँ और सिंपली आपको क्या करना है, लॉग इन करना है, देन फेज 8 के डिटेल्स में जाना है, रीजन सेलेक्ट करना है, रीजन पोस्ट KKR एंड एग्जामिनेशन नेम फेज 8 एंड सर्च कर देना है, एंड आपकी आ जाएंगी जिस भी पोस्ट कोड के लिए आप देखना चाहते हो, जो भी आपका रीजन है वो आपका आ जाएगा। तो ये तो बात होगी आपका फर्दर प्रोसेस क्या होता है एंड क्या क्या आपको करना होगा, आगे देखते हैं। एंड इसी के रिगार्डिंग एक बार हम नोटिस में देख लेते हैं कि इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, कहीं कुछ छूट ना जाए। रिक्रूटमेंट टू सिलेक्शन पोस्ट विल बी मेड थ्रू रिटर्न एग्जाम, ये हमें पता है कि रिटर्न एग्जाम से ही होगा और हो चुका वो हमारा, ठीक है। एंड ऑल कैंडिडेट्स हु रजिस्टर देमसेल्फ इन रिस्पॉन्स टू दिस एडवर्टाइजमेंट बाय द क्लोजिंग डेट एंड, तो अब उनको एग्जाम देना होगा, ठीक है, जो भी एग्जाम सेंटर है उनको एग्जाम सेंटर दे दिया जाएगा, उनको वहाँ एग्जाम देना होगा। एंड अगर कोई ब्लड फोटो है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट इन द सेम रीजन, अप्लाई फॉर डिफरेंट पोस्ट इन डिफरेंट रीजन, अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ डिफरेंट लेवल्स, ठीक है, इन द सेम आर कॉल्ड कॉमन कैंडिडेट्स। अगर सपोज आपने सेम लेवल की कोई पोस्ट के लिए या सेम रीजन में अप्लाई किया, डिफरेंट रीजन में अप्लाई किया, तो आप कॉमन कैंडिडेट माने जाओगे और आपको एक ही रोल नंबर अलॉट होगा एक लेवल के लिए, ठीक है। सच कॉमन कैंडिडेट्स विल बी इश्यूड ओनली वन एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर वन लेवल, सपोज 10th लेवल का आपका, मेट्रिकुलेशन लेवल का, तो उसका एक वो आइए, तो बात होगी जो आपकी हो चुकी हैं, ठीक है। एंड ये आपका कट ऑफ मिनिमम फिक्स की हुई है कि इतने तो होने चाहिए, इससे कम होने पर नहीं होगा। एंड इस रेशियो में आपके कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे स्क्रूटनी के लिए, जैसे 5 वैकेंसीज तक हैं तो 1:20 एंड उससे ज़्यादा वैकेंसीज तो 1:100 एंड मिनिमम 100 बुलाए जाएंगे अगर 5 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं तो। द कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट स्क्रूटनी विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन द रेस्पेक्ट ऑफ, ये इन्होंने वही बात बताई है कि आपको क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भेजनी है एंड हार्ड कॉपी भेजनी है प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये बात हमने आपको बताई थी कि क्या आप कर सकते हो, कितना पॉसिबल सॉल्यूशन हो पाएगा, चांसेस कितने बनते हैं कि आप वो लेटर लिख के भेजते हो तो आपका 90% हो जाएगा, एंड बाकी तो SSC पर डिपेंड करता है कि वो करें या ना करें, बिकॉज गलती तो आपके साइड से हुई है, ठीक है। और जो आपकी स्क्रूटनी होगी डॉक्यूमेंट की वो रीजनल सब रीजनल ऑफिसर से होंगे। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, जिस भी पोस्ट में आपका स्किल टेस्ट मांगा गया है तो वो स्किल टेस्ट होगा। देन उसके बाद जो आपका कैंडिडेट्स जो भी उसमें क्वालिफाई करते हैं स्क्रूटनी में,
एंड स्किल टेस्ट में उनका डीवी होगा, डीवी आपके रीजनल ऑफिसर्स में होता है। डीवी के रिगार्डिंग मेरी खुद की एक्सपीरियंस वीडियो है एमटीएस 2016 की, 2019 की, सीएचएसएल 2017 की, तो वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसका लिंक आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा एंड आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा या आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो बात होगी आपकी कि डीवी कैसे होता क्या नहीं, उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट आ जाएगा डीवी के बाद, एंड जो भी आपके क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एंड स्कोर हैं जो आपके, वो फाइनल रिजल्ट के बाद ही पता चलेंगे। तो ये तो मेन मेन बात होगी आपकी प्रोसेस की, जो मोटा मोटा प्रोसेस है एसएससी का। अभी आगे देखते हैं और बाकी क्या क्या चीज़ें हैं आपकी। देखिए यहाँ पे आपको एक और बात कॉमन क्वेश्चन आया था कि मार्कशीट या सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं तो क्या करें। पहली बात तो देखिए आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, बट इन द केस आपके पास अगर सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो मार्कशीट अवेलेबल है, तो जो भी अवेलेबल है आपके पास वो भेजिए। पहली बात तो भेजना ज़रूरी है, ऐसा नहीं आप भेजेंगे नहीं तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। जो भी आपके पास अवेलेबल है, मार्कशीट अवेलेबल है, आपकी यूनिवर्सिटी से मिली नहीं है या कॉलेज से मिली नहीं है ड्यू टू कोरोना, कॉलेज बंद है या वट एवर रीज़न इट इज़, तो आपके पास अभी भी जो भी मार्कशीट प्रोविजनल है या सिर्फ मार्कशीट अवेलेबल है तो वो आप भेज दीजिए। उससे पॉसिबल है कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि उनको प्रूफ चाहिए कि आप क्वालिफाई कर चुके हो। अगर आप वो प्रूफ नहीं भेज पाते हो तो प्रॉब्लम होगी, मार्कशीट है तो मतलब आप क्वालिफाई कर चुके हो, ठीक है। एक्सपीरियंस और अदर सर्टिफिकेट अगर मांगा गया है तो आपको ज़रूर लगाना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप कहीं से भी लाओ, कहीं से भी आप एक्सपीरियंस बनवाओ अपना, कि जहाँ पे भी आपने काम किया है वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट ज़रूर लगेगा। जिन जिन पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा गया है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि आपको कैसे चेक करना है एसएससी वेबसाइट पे जाके लॉग इन करके पोस्ट डिटेल में जाके। अब बात करते हैं कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट का मेन इशू ये है कि पहली बात तो आपका क्रूशियल डेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नोटिस में देखते हैं एक बार क्रूशियल डेट है या नहीं, और नोटिस में ही देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं, एक बार वो वहाँ से देखते हैं। तो ये आ गए हम नोटिस में। तो यहाँ पे जो आपका क्रूशियल डेट दिया हुआ है वो दिया हुआ 20 मार्च आपका। ओबीसी के लिए भी यही है, ईडब्ल्यूएस के लिए ये भी यही है, और बाकी कैटेगरीज के लिए भी यही है। आप चाहे तो नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो आपका सिलेक्शन पोस्ट का आया था, तो 20 मार्च 2020 है। अब इससे बाद का बना हुआ है तो मेन प्रॉब्लम शुरू होती है वहाँ पे। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, जो 2017 में एसएससी की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ नहीं मिलता तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएं हमारे साथ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े हो, और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो उसका लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप का भी है, तो वहाँ पे भी आप जुड़ जाएं। अगर आप चाहते हैं तो वहाँ जुड़ सकते हो, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 20 मार्च के पहले आपका होना चाहिए, यही बात सेम इन्होंने ईडब्ल्यूएस के लिए कही है, एंड सेम बात आपकी बाकी अदर कैटेगरीज के लिए भी कही है। अगर इसके बाद का है तो क्या होगा? पहली बात तो ये सारे सर्टिफिकेट आपके सेंट्रल फॉर्मेट में होने चाहिए। अगर आपका बाद का भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर आपका सर्टिफिकेट किसी भी डेट का है, पहले का है, बाद का है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एसएससी आपको प्रोविजनल देगा आपके डीवी में, एंड उसके आधार पे आगे आपको जो आपका डिपार्टमेंट अलॉट होगा, डिपार्टमेंट आपका चेक करेगा, वेरीफाई करेगा कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हो या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के केस में क्या होगा कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपका इस ईयर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, 2020 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, मतलब 2019 से 2020 का होना चाहिए आपका। तो इस ईयर के अकॉर्डिंग आपका फाइनेंशियल कंडीशन होनी चाहिए एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। एंड बाकी कैटेगरीज के लिए भी अगर आपका बाद का बना है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आपका इससे पहले का बना है तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर तो आपका नॉर्मल क्लियर केस रहेगा। बट अगर आपका बाद का बना है तो आपको प्रोविजनल मिलेगा आपके सर्टिफिकेट में, सॉरी आपके डीवी में। आई होप आपके जो भी डाउट्स थे इनको मैं क्लियर कर पाने में कुछ ना कुछ हेल्प कर पाया हूँगा, एंड होप सो आपके कुछ क्लियर भी हो गए हूँ। आई थिंक इतने ही आपके डाउट्स थे जो भी मैंने कमेंट्स में देखे। अगर कोई भी और डाउट है आपका इनसे अलग है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, टेलीग्राम पे बताएं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आप अवेलेबल हैं वहाँ पे आप बताएं, कुए ऐप पे बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आप कोई भी वीडियो आने वाली मिस ना कर पाएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि इसको और लोगों तक पहुँचने में आसानी रहे एंड वो भी इससे फ़ायदा उठा पाएँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।